अस्सलामुअलैकुम जी, आज बनाने जा रही हूँ मैं चना पुलाव। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पर कटी हुई जो है वो 3 अदद प्याज और 1 कप जो है वो मैंने चने लिए थे, बड़ा कप लिया था, और हल्दी पाउडर लिया है। इसके अलावा लिए हैं खड़े गरम मसाले, ये हरी मिर्चों का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको मैंने एक साथ कूट लिया था। ये जी है सूखा धनिया, और इसमें जाएगा जी गरम मसाला, कटे हुए टमाटर जाएंगे 4 अदद, लीमू, हरी मिर्चें और जो पुदीना है ये गार्निशिंग के लिए है, इससे अच्छी बहुत अच्छी खुशबू भी आती है पुदीना से। लाल मिर्च जो है वो पिसी हुई और कुटी हुई जो है वो 1/2 टीस्पून मैंने डाला है, क्योंकि जो चावल हैं यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं, ये मेरे पास तकरीबन 2 ग्लास चावल थे, तो आप अपने हिसाब से जो भी क्वांटिटी है वो आप बाद में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी पैन में ऑयल डाला था, वो गर्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ स्लाइस की हुई प्याज, और इसको जो है वो तब तक जो है वो ब्राउन हम करेंगे जब तक, ज़्यादा नहीं जलाना है इसको, तब तक मिक्स करना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं, बहुत अच्छा बनता है ये पुलाव भी। और चने जो थे वो मैंने नमक डालकर जो है वो पहले से ही बॉईल कर लिए थे, तो आप देख सकते हैं कि अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर खड़े गरम मसाले। स्पाइसेस जो हैं वो सारे हैं जी, वो मैं आपको बता देती हूँ। 1/2 जो है वो स्टिक थी दालचीनी की, 4 अदद लौंग थी, 1 बड़ी इलायची थी, 7-8 दाने जो थे वो काली मिर्च के थे, साबित काली मिर्च, और सफ़ेद ज़ीरा था 1 टीस्पून, और 1 थी जी छोटी इलायची, और थोड़ा सा था जी बादियान का फूल, और बादियान का फूल ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर जो है वो प्याज जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं, और इसको आप देख सकते हैं कि अच्छे से ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। इस पॉइंट पर मैं डाल रही हूँ जी हरी मिर्चों और अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। पानी बिल्कुल भी इस पॉइंट पे आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि अदरक लहसुन के अंदर भी जो है वो पानी मौजूद होता है, तो इसका जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी कटे हुए टमाटर। आप देख सकते हैं कि जो है वो अच्छे से जो है वो होना शुरू हो चुका है, कम्प्लीटली ये ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है, अदरक लहसुन भी, प्याज डन हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। और अब डालेंगे यहाँ पर हम इंशाल्लाह कटे हुए प्याज, कटे हुए टमाटर, जी तो अब हमने डाल दिए हैं जी कटे हुए टमाटर। और जी गर्मी का सीज़न है जी, दिमाग जो है वो इस वक्त जो है वो बॉयल हो चुका है जी किचन में, क्योंकि आपको पता है कि कराची में जो है वो आजकल बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही है, तो जी प्याज टमाटर टमाटर प्याज कुछ भी इंसान बोल देता है। रेसिपी एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। अब मैं डालने जा रही हूँ जी यहाँ पर स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने डाला है जी तकरीबन 1.5 चम्मच नमक। नमक मैं स्टार्ट में इसलिए हल्का रख रही हूँ क्योंकि चनों को जब बॉईल किया था तो उसमें भी नमक जो है वो ऐड किया था। हल्दी पाउडर डालना है, फिर डालेंगे हम सूखा धनिया, ये मैंने डाला है जी 1.5 चम्मच, गरम मसाला, ये मिक्स स्पाइसेस हैं जी, जो होममेड गरम मसाला होता है आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कुटी लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल कर दिए। ऑयल जो है वो जब तक सेपरेट नहीं हो जाता तो इसको अच्छी सी भुनाई करनी है। देखिए खानों में जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी माएँ हमें सिखाती हैं वो है जी भुनाई, भुनाई बहुत अच्छी से करनी चाहिए, और ये लग ना जाए इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। आप भी इस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि
मसाला जलने का डर है तो आप यहाँ पे पानी ज़रूर ऐड करें। मैं बहुत कम रेसिपीज़ वैसे अपलोड करती हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ ख़ास इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है, तो अगर आपको वीडियो देखने में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए वेरी सॉरी। यहाँ पर मैंने ऐड किया है जी पुदीना, पुदीना के पत्ते मैंने ऐड किए हैं खुशबू के लिए। आप थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने कहीं से भी देखकर नहीं बनाई थी क्योंकि मैं बहुत शौकीन थी पुलाव की, तो मैं शुरू से ही मुझे शौक़ था कि मैं ऐसे पुलाव बनाऊँ जो हर वैरायटी का पुलाव होना चाहिए। और इंसान अब जैसे जैसे पकाता रहता है तो उसको ये चीज़ें जो है वो समझ में आती रहती हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो जी यहाँ पर मसाला जो है वो भुन रहा है अभी टमाटर, क्योंकि अभी थोड़ा सा नज़र आ रहा है अभी, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा गल जाए अच्छे से। मैंने इसको कवर किया था ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, टमाटरों का ना बिल्कुल मिक्स हो जाए सारा मसाला। कोई जो है वो टमाटर जो है वो किसी को अच्छे लगते हैं साबित, किसी को बहुत अजीब लगता है कि भाई बिल्कुल ना हो। यहाँ पर आप टमाटर की प्योरी भी ऐड कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है तो इसलिए मैंने साबित कटे टमाटर डाले थे। तो जी मसाला जो है वो भुन रहा है, तो साथ साथ मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए हैं जी चने। ये काबुली चने जो थे वो पहले से बॉयल थे, मैंने इसको नमक डालकर बॉयल किया था। इसको अच्छे से मिक्स करना है यार, ताकि इसके अंदर जो है वो चनों की जो एक जायका है ना चनों के अंदर वो शामिल हो जाए और सारे मसाले जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। ये जी मैंने आपको दिखाया है जी चिकन पाउडर, वैसे नॉर्मली लोग चिकन क्यूब भी यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से पानी के अंदर मैंने इसको शामिल किया है, तकरीबन ये 1 टीस्पून से 1/2 टीस्पून आप यूज़ कर सकते हैं अपने चावल की क्वांटिटी के हिसाब से। मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, इसको मिक्स कर रही हूँ मैं अब अच्छे से। मसाला जब बॉयल होना स्टार्ट होगा तो उसके बाद इसकी भुनाई दोबारा से करनी है ताकि कच्चापन ना रह जाए किसी भी चीज़ का, कोई डाउट ना रह जाए। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर जब हमने ये सारे मसाले ऐड कर दिए, यहाँ पर मैंने डाला है जी तकरीबन, क्योंकि मेरे पास 2 ग्लास जो है वो चावल थे तो मैंने यहाँ पर उससे बढ़ाकर ही पानी डाला है, 4 ग्लास पानी डाला है मैंने यहाँ पर। अब जब तक इसमें बॉयल नहीं आता तो मैं इसको कवर नहीं करूँगी। और इसको ओपनली पकाने का एक स्टार्ट में जो मकसद होता है जब तक ये बॉयल हो रहा होता है वो ये कि चावल टूटता नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बासमती चावल यूज़ किया, सॉरी मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गई थी, ये बासमती राइस है। और आप यहाँ पर सेला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेला से ज़्यादा बेटर मुझे ये लगता है ऑप्शन, हर किसी के अपना अकॉर्डिंग टू टेस्ट होता है, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं बासमती यूज़ करती हूँ। इसको मिक्स करेंगे, इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। तो जी यहाँ पर इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, बहुत अच्छी जो है वो इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो उठना शुरू हो चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू स्टार्ट हो चुकी है उठना। अभी हम इसको जो है वो दम पर देंगे, मिक्स कर लिया मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो अब जो है जब तक के इसको बॉयल नहीं आ जाता तो मैं थोड़ा कवर कर रही हूँ, अभी जो है वो हाई फ्लेम पर ही जो है वो मैंने इसको रखा हुआ है क्योंकि इसमें बॉयल नहीं आया है, प्रॉपर बॉयल जो है वो नहीं आया है इसके अंदर, अभी स्टार्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ नहीं जाता लाइक करने से, बहुत अच्छा महसूस होता है, बल्कि खुशी होती है, एक अप्रिसिएशन होती है कि जो बना रहा है, जो इतनी मेहनत से बना रहा है, वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर रहा है, तो उसको खुशी महसूस होती है कि किसी ने हौसला अफजाई की। यहाँ पर जी एंड में मैं डालूँगी जी बिरयानी का जो एसेंस होता है वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आप यहाँ पे केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
मुझे उसका टेस्ट नहीं पसंद, तो मैंने यहाँ पर बिरयानी का एसेंस यूज़ किया था। एंड में जी एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पर लींबू का रस ऐड कर रही हूँ। ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग चना पुलाव में इमली का पल्प यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं जी कि कोरोना वायरस जो है वो फैला हुआ है, कोविड, जिसकी वजह से जब ज़्यादा खटाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे गले को बड़ा इफ़ेक्ट करता है। तो बच्चों के लिए ये चीज़ मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि ज़्यादा खट्टी चीज़ें ना हो। तो मैंने यहाँ पर जो है वो लीमू का रस ऐड किया है, आखिर में कटी हुई हरी मिर्चों से गार्निश किया है, और अब मैं इसको दम पर दे रही हूँ। हाँ जी, तो चना पुलाव माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।